बीजेपी ने एक बार फिर से इतिहास दोहरा दिया और 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा हासिल करते हुए सत्ता पर एक बार फिर से काबिज हो गई है। साथ ही ये जाहिर भी हो गया कि देश में आज भी मोदी लहर है और जनादेश ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो पीएम मोदी की दमदार छवि और उनके कामों से कितने खुश हैं। जहां सिर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर जंग जीत जाए वही मोदी जैसा सिकंदर है। एक बार फिर आज ऐसी ही मिसाल पेश की है इस सिकंदर ने, जिसने आज जीत की एक नई इबादत लिखी है। एक बार फिर से बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हुई है। इससे पहले भी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत के साथ जीत का डंका बजाया था। एनडीए को मिली थी 336 सीटें, कांग्रेस को मिली थी 60 सीटें, अन्य को मिली थी 147 सीटें। बीजेपी की इस जीत के जयकारे तो चुनाव परिणामों से पहले ही पीएम मोदी की जनसभाओं में लगने शुरू हो गए थे। नरेंद्र मोदी की जीत की राह आसान नहीं थी। इस मंजिल तक पहुंचने में उन्हें कई तूफानों का सामना करना पड़ा। कभी देश के इस प्रधान सेवक पर विपक्ष उंगली उठाता रहा तो डरते वो है जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ। शायद देश के इस चौकीदार की ऐसी ही छवि लोगों को महसूस हुई, तभी एक बार फिर देशवासियों ने जीत का ताज इस शहंशाह के नाम कर दिया और अपनी वोट से पीएम मोदी को यह संदेश दे दिया कि पीएम मोदी के हाथों में ही देश सुरक्षित है। वो पीएम मोदी ही है जो देश को विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं, और वो पीएम मोदी ही है जो देशवासियों की हर दुख तकलीफ को महसूस कर।